वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक सेंस। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे स्टॉक सेंस चैनल पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन फ्लाई की वीडियो को देखने को मिलेगी और आयरन फ्लाई हम कैसे ट्रेड करता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लोगों की क्वेरी ये होती है कि आयरन फ्लाई हम लो वीक सिचुएशन में हम आयरन फ्लाई इज इज सूटेबल। जैसे बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि आयरन फ्लाई हाई वीक्स या फिर हाई आई वी सिचुएशन में ही काम करती है क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छे प्रीमियम्स मिलते हैं, राइट। लेकिन आज हम देखेंगे कि आयरन फ्लाई लो वीक्स में भी कैसे अच्छे प्रॉफिट देती है। भले प्रॉफिट कम होते हैं डेफिनेटली, अगर वीक्स लो है, आईवीज लो है, तो कौन सी भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी हो, डेफिनेटली वहाँ पे आपको प्रीमियम्स भी कम मिलेंगे। सो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट्स भी कम होंगे। लेकिन हमारा एम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बजाय मार्केट में सस्टेन कैसे हम कर सकते हैं, प्रॉफिट तो डेफिनेटली उसके बाद आएंगी। तो मेरा यही कहना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कैसे करते हैं कि स्ट्रैटेजी शिफ्ट करते रहते हैं कि अगर लो वीक्स है तो कैलेंडर्स करो, हाई वीक्स है तो स्टैंडर्स ट्रायंगल या फिर आयरन फ्लाइज करो। सो ये सारी चीज़ें। तो मेरा यही मानना है आपसे कि आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो उसमें आप मास्टर बनो और एक ही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, चाहे कौन सी भी मार्केट कंडीशन हो, तो आप उस हद तक उसे मास्टरी हासिल करो। कि जैसे कि मैं अभी आयरन फ्लाई कर रहा हूँ, मैं सब पिछले 2.5 साल से मैं आयरन फ्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सारे सिचुएशन में आयरन फ्लाई ट्रेड किए, लो वीक्स हो, हाई वीक्स हो, अभी तो लो वीक्स का सिचुएशन है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 1 जून ये करंट एक्सपायरी थी 8 जून की, वो हमने कैसे मैनेज की, प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमने वो मैनेज की, तो वो हम देखेंगे और कैसे अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट किए उससे। और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड्स और आयरन फ्लाइज उसमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द सेंस वीगा इफेक्ट्स की वजह से, तो वो जो डिफरेंस है थेरेटिकली क्या होता है वो हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी बैक टेस्ट करके दिखाते हैं क्योंकि ये हमने एक्चुअली ट्रेड भी किया था, तो एज अ बैक टेस्ट आपको दिखाते हैं कि लो वीक्स में बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि लो वीक्स में भी ये प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती है, तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम 8 जून की आयरन एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। सो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 1 जून से, जो कि उसके पहले वाली एक्सपायरी थी, ठीक है। और यहाँ पर हम 8 जून सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये ट्रेड हमने एक्चुअली ट्रेड किया है, सो ये बैक टेस्टिंग अलग और हमने लाइव भी ट्रेड किया है, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही हो गए, ठीक है। तो जनरली हम ट्रेड करते हैं डिप्लॉय 3:15 बजे, इन बिटवीन 3:15 to 3:30 हम ट्रेड डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें प्रीमियम्स मिल रहे हैं 15:01, ठीक है, 43,700 जो कि यहाँ पे है। हमने 2 लॉट से करेंगे क्योंकि क्या है, मैं ज़्यादा लॉट भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेकिन मिनिमम ये क्वांटिटी, मिनिमम ये स्ट्रैटेजी आप 2 ही लॉट से ट्रेड कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 लॉट से आप करो, मैक्सिमम आप कितने भी जा सकते हो, आप इवन कॉम्बिनेशंस में जाओ, राइट, 2, 4, 6, 8 ऐसे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स उस हिसाब से हम करते तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट्स। सो 43,700 हमने यहाँ पर सेल किया और यहाँ पर 43,700 दिस सेल किया। अभी देखिए हम हेजेस कैसे बाय करेंगे, थोड़ा बेसिक भी बता देता हूँ। 43,700 ये हुआ हमारा स्ट्रैडल। और हेजेस कैसे बाय करेंगे, ये जो भी ये प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है, जैसे कि अभी कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या कलेक्ट किया है, यहाँ पे 252 प्लस यहाँ नीचे हमने कलेक्ट किया है 388। सो हमने लगभग 600 के आसपास हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है। सो हम क्या करेंगे, 600 पॉइंट्स अवे चले जाएंगे फ्रॉम दिस स्ट्रैडल पॉइंट, ठीक है, प्लस 43,700। सो ऊपर के साइड पे हमें मिला 44,300, सेम 2 लॉट्स। और नीचे के साइड अगर हम देखेंगे तो हमें 43,100, देखिए 20 डेल्टा के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। शायद हमने यहाँ पे सेल किया, यस, ये मैं 43,300 बाय करता हूँ, 43,300 बाय किया, ओके। ये वो हमारा आयरन फ्लाई। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 20,000 हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 9,000 हो सकता है, लॉस की बात तो छोड़ो, वो तो चेंज होता रहेगा। और हमारे ब्रेक इवन्स नोट करो, 43,300 ऊपर नीचे की साइड, और ऊपर की साइड 44,000 लगभग 200 के आसपास, ठीक है। जनरली मैं 100 पॉइंट्स का बफर रखता हूँ कोई भी ब्रेक इवन हो तो 41,200 हम मान के चलेंगे ऊपर की साइड का ब्रेक इवन और नीचे की साइड का 43,200 के आसपास, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को जनरली 2.5 लाख के आसपास मार्जिन रिक्वायर्ड रहता है इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, ओके, फॉर द टू लॉट्स। तो इस हिसाब से हम प्रॉफिट भी आरओआई कैलकुलेट करेंगे। सो 30 मिनट से हम आगे चले जाएंगे, 30 मिनट से हम आगे चले जाते हैं। जैसे ही हमारे ब्रेक इवन के आसपास अगर प्राइस आती है तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए जनरली यहाँ पे देखिए हमारे 44,200 के आसपास हमारा ब्रेक इवन होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है आप 44,100 पे भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, नो इश्यूज़। लेकिन 44,200 पे भी अगर आपने किया तो 100 पॉइंट बफर दे सकते हो, क्योंकि ये अनप्लाई स्ट्रेटेजी है। अगर मार्केट बहुत आगे भी चला जाए तो आपको उतना लॉस देगा नहीं, आपको बहुत टाइम होगा एडजस्टमेंट्स के लिए। तो हम उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 44,100 के आसपास है तो हम 44,100 पे एडजस्टमेंट्स करके देखेंगे, जैसे कि हमारा रूल है। तो हम उस हिसाब से ही आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप 100 पॉइंट का बफर, 100-150 पॉइंट का बफर रख के एडजस्टमेंट कर सकते हो प्राइस एक्शन देख के। अगर आपको पता है ये 44,400 के आसपास है और अगर आपको पता है 44,500 इज़ अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली आप रुक सकते हो 44,500 क्रॉस होने तक, देन यू कैन डू द एडजस्टमेंट्स, ओके। ये टोटली डिपेंड्स है आप प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करते हो। लेकिन अगर प्राइस एक्शन आप इन्वॉल्व करोगे आयरन फ्लाइज में तो बहुत अच्छे प्रॉफिट आप जनरेट करोगे। मैं खुद कर रहा हूँ इस चीज़ों को पिछले 2.5-3 साल से, तो इसलिए मैं चीज़ें इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ठीक है। तो फिर से हम आगे जाएंगे। देखिए अभी 5 जून तक हम आए, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हुआ है, ठीक है। 5 जून है, लगभग 920 के आसपास हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा सेट ऑफ रूल है 44,100 दो लॉट सेल करेंगे, 44,100 दो लॉट सेल करेंगे और 10 रुपीज़ के आसपास का हम एक हेज बाय करेंगे, सिंपल। देखिए अभी ऊपर की साइड ऑलमोस्ट हमारी लॉसलेस हुई है, राइट, और नीचे के साइड अभी हमें लॉस दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि डाउन साइड में बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है, तो आप कौन सी भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी लेके आओ, वहाँ पे आपको एक साइड में अनलिमिटेड लॉस दिखेगा। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं है मार्केट में जो दोनों साइड आपको मतलब प्रॉफिट दिखाएगी, ठीक है। अगर आप एक साइड प्रॉफिटेबल हो तो डेफिनेटली अदर साइड विल बी इन लॉस। देखिए लॉस्ट कैप है यहाँ पे लगभग 75,000 के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पूरा लॉस होने तक हमें रुकना है। अगर कोई मार्केट ओवरनाइट 5% या लोअर सर्किट भी लगता है तो हमें उससे निकलना कैसा है ये भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा। आप बने वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो में आपको डिटेल ये स्ट्रैटेजी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग में धीरे-धीरे बता दे जाऊँगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट्स की। देखिए अभी हमारा ऊपर का ब्रेक इवन है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है लगभग 44,300 के आसपास, ठीक है। तो वैसे वैसे हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, देखिए 44,300 के आसपास हमारा ब्रेक इवन है, ऊपर के साइड हमें लॉस ऑलमोस्ट नील है, ठीक है। तो अभी पता है हमें कि हमने जो एटीएम सेल किया 44,100 यहाँ पे जो हमने दो लॉट सेल के, वही हमें सबसे ज़्यादा लॉस दे सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स आ जाए तो हम वो रिस्क ले सकते हैं कि ऊपर की साइड 44,500 तक रुकने की। अगर मार्केट ने कुछ प्राइस एक्शन दिखाई और 44,500 अगर मार्केट ने ब्रेक किया, देन वी कैन एड द फर्दर एडजस्टमेंट। जैसे कि हम ये जो 43,000 सी होगा हमारा यहाँ पे, ये हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा। जैसे कि मार्केट 44,500 अगर क्रॉस करता है प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के और सस्टेन भी करता है, देन ये लेग हमें बहुत प्रॉफिट दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट बुक करेंगे और थोड़ा इन द मनी शिफ्ट हो जाएंगे 44,100 पे। लेकिन ये कब करेंगे, जब मार्केट 44,500 क्रॉस करेगा तब, क्योंकि हमें पता है ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मेजर हैपनिंग होगा, आइदर मार्केट रिवर्स आ जाएगा या फिर बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट देगा। तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम रुकेंगे 44,500 के आसपास, क्या प्राइस एक्शन बनती है। देखिए हमने यहाँ पे कहीं पे भी चार्ट नहीं देखा है, आप एक चीज़ नोटिस करो, हमने यहाँ पे कहीं पे भी चार्ट नहीं देखा। हम सिर्फ और सिर्फ ये पे ऑफ ग्राफ देख के हम ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। सो हम 30 मिनट से आगे चले जाएँगे। देखिए अभी आप 600 रुपये के आसपास कुछ लॉस में हो, ठीक है, ये चीज़ नेग्लिजिबल। सो हम आगे चले जाएँगे और हम एक यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग जैसे 5 मिनट बाकी हो मार्केट क्लोजिंग के लिए। देखिए हमें रिस्क यहाँ पे डाउन साइड पे, ना कि अप साइड पे। अप साइड का तो पता है मार्केट कहाँ पे भी खुलो आप प्रॉफिट में हो गए क्योंकि ड्यूटी टू ब्लू लाइट, लेकिन नीचे के साइड हमें रिस्क है। तो हम क्या करेंगे दैट रिस्क थोड़ी कम करने के लिए, देखिए हम पूरी रिस्क तो कम नहीं कर सकते लेकिन रिस्क थोड़ी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमें लॉस नीचे के साइड है क्योंकि हमने कॉल पुट सेल किए हुए तो डेफिनेटली हमें लॉस भी पुट साइड से ही होगा। तो हम क्या करेंगे पुट एक जो है जो 35 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है उसे 2 लॉट बाय करेंगे। रीज़न बिहाइंड दैट 2 लॉट क्योंकि हमने एडजस्टमेंट्स भी 2 लॉट से की है। ठीक है, ज़्यादा कुछ मतलब आपको लगेगा बहुत हार्ड है, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं। आप बार बार ये वीडियोज़ देखो, नोट्स बनाओ, डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा। और एक बात कि आप पेपर ट्रेड करो कुछ मंथ तक या कुछ वीक तक, देन आप डिप्लॉय कर सकते हो मार्केट में। क्योंकि मैं पिछले 2.5-3 साल से ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क मतलब डिप्लॉय कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं यही स्ट्रैटेजी, और बहुत अच्छे मैंने प्रॉफिट जनरेट किए। मैंने PNL रिपोर्ट भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल सेक्शन में देख सकते हो कि यही स्ट्रैटेजी से मैंने कितना PNL जनरेट किया लास्ट 2.5 ईयर्स में। तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें हिडन है इसमें, डेफिनेटली नहीं है। जो मैं हूँ वो मैंने YouTube पे दिखाया है। ठीक है, सो हमने 35 रुपीज़ का एक पुट बाय करके 2 लॉट बाय करके हम जा रहे हैं। और वो पुट कब निकालेंगे, जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है, गैप अप हो गैप डाउन हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। दैट हमने वो पुट सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए हमने बाय किया था, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है वो हमें प्रॉफिट देगा लॉस देगा। हमने सिर्फ हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए उसे बाय किया था। आप ऐसे इंश्योरेंस की तरह उसे देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, वो पुट हमें 20 रुपीज़ लॉस दे रहा है तो 28 में हम इसे बुक करेंगे। और फिर से हमारा पे ऑफ ग्राफ एक रेंज में आ जाए। ठीक है, नीचे की साइड हमें ऑलमोस्ट 1% तक कोई रिस्क है नहीं। ठीक है, फिर से हम 30 मिनट तक आगे चले जाएंगे। अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है 17 रुपीज़ के आसपास, थोड़ा लॉस दिख रहा है। 30 मिनट से हम आगे चलें। देखिए एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, हमें ये लेग कब निकलना है 44,100 जब मार्केट फिर से हमारे सैडल के आसपास आ जाएगी। जैसे 44,700 के आसपास अगर मार्केट फिर से यहाँ तक, मतलब 44,700 अगर यहाँ पे कहाँ मार्केट आ रही है, ठीक है, तो हम वो लेग निकाल देंगे। या फिर हमने जो प्रीमियम सेल किया 44,100 हमने 180 पे सेल किया है, तो ये अगर 360 के आसपास चला जाए, मतलब डबल हो जाए, तो इनमें से कौन सी भी एक कंडीशन जब फर्स्ट सेटिस्फाइड होगी तब हम निकाल देंगे। मतलब 43,700 तक प्राइस आए या फिर ये डबल हो जाए, इनमें से जो भी कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड होगी हम ये जो कॉल पुट लेगे हैं इनसे निकाल देंगे। रीज़न बिहाइंड दैट यही एक लेग है जो हमें सबसे बड़ा लॉस देगा और यही एक लेग है जो हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो इस लेग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है पूरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो 44,100 सो उस पर हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो हम और 30 मिनट से आगे चले जाएंगे। हमें बस अभी कुछ एडजस्टमेंट्स करने नहीं है, हम रुकेंगे 44,500 जैसे ही ब्रीच होता है हम अगली एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ब्रीच नहीं होता तो हमें पता है ये हमारी पूरी रेंज है। ठीक है, तो हम और आगे आगे चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 3:15 बजे के आसपास मार्केट आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें 1500 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन चेन में जाएंगे, एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग हमें 35 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो हम 42 रुपीज़ का हम बाय करेंगे। 29 रुपीज़ के आसपास का हम बाय करके जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी तो बहुत लोगों सारे लोगों को भी डर रहता था मार्केट गैप डाउन खुले। देखिए अगर मार्केट 1.5% भी गैप डाउन खुलता है तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा खुलता है तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इन द सेंस लॉसलेस सिचुएशन में रहेंगे। तो ये घबराने की चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है ओवरनाइट के लिए, लेकिन बहुत ये पूरी चीज़ें मैनेजेबल है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स आप लॉस देखिए, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये 7-8,000 के आसपास लॉस दिखा होगा मैक्स टू मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये और मैनेजेबल है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी अगर मार्केट खुलता है तो हमें बताइए, अगर हम ये लेग क्लियर करेंगे तो हम फिर से कोन में आ जाएंगे और इस साइड से हम फिर सेलिंग चालू करेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं इतना हार्ड एंड फास्ट इसमें कि आप घबरा कर जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं 9:15 बजे के आसपास क्या हो, मार्केट गैप अप खुला, ऑब्वियसली इसने लॉस भी होगा, हम वो बुक करेंगे 18 रुपीज़ के आसपास। हमें 900 रुपीज़ के आसपास कुछ तो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। ऊपर की साइड हमें लॉस होगा लगभग 1400 के आसपास। तो देखिए मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 44,280 के आसपास, जो कि हमारा ये ब्रेक इवन है इसके आसपास ही आ रहा है। लेकिन हम वेट करेंगे 44,500 के आसपास क्या प्राइस एक्शन हो रही है, क्योंकि हमारे पास पूरे 2 दिन बाकी है, 8 जून और 7 जून। तो हम 30 मिनट से आगे चले जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ये लो विक्स जो बात कर रहे हैं ना हम, इसका यही रीज़न है क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास बहुत कम प्रीमियम होते हैं, तो हमें जो भी स्टेप लेना है वो बहुत सोच समझ कर डालना है कि क्या प्राइस एक्शन बिहेव करिए, क्या नहीं बिहेव करिए। 44,500 अगर मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है तो हम रुकेंगे वहाँ पे, ना कि एडजस्टमेंट करके पहले ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर मार्केट रिवर्स आता है तो हमें बहुत तकलीफ देगा एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन हमें पता है अगर वो 44,500 बैक करके भी उबर जाते हैं, भले हमें प्रॉफिट ना हो या फिर कम प्रॉफिट होगा आगे के एडजस्टमेंट करने के, लेकिन हमें लॉस नहीं होगा उतना ज़्यादा। जबकि लॉस कब होगा, मार्केट इमीडिएट अगर रिवर्स हो जाए, हम एडजस्टमेंट करते हैं तब थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन वो हम एट द एंड मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन M2M बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हाई M2M स्विंग्स देख के वो लोग घबरा जाते हैं, तो वो वहाँ पे दिक्कत आती है फिर, ठीक है। इसलिए हम बहुत सोच समझ कर एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि प्रॉफिट जनरेट करना। अगर मार्केट में आपको बने रहना है तो आप कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीखो, प्रॉफिट डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ठीक है। तो हम 30 मिनट से और आगे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी शायद कुछ एडजस्टमेंट्स की नहीं है इस दिन हमने। जैसे देखिए हम 3:15 बजे के आसपास आए, हम डेफिनेटली वो हमारे एडजस्टमेंट करेंगे। 35 रुपीज़ के आसपास का जो भी कॉल है, यहाँ पे 40 रुपीज़ के आसपास का ट्रेड है, हम वो बाय करके जाएंगे, ठीक है। देखिए हम फिर से कौन है नीचे के साइड, तो कहाँ पर भी ओपन हो, देखिए कहाँ पे भी ओपन है, 8,000 के ऊपर आपको लॉस होने नहीं वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, आप सिर्फ पे ऑफ ग्राफ देखो, डरो मत, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस वो आना चाहिए आप में कि देखिए ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, आप एक दिन स्ट्रैटेजी ट्रेड करोगे तब आपके पास ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली नहीं आएगा, आप बार बार करोगे तब। पहले मतलब 2.5-3 साल पहले मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी कि M2M स्विंग्स देख के मैं घबराता था, लेकिन अभी की ऐसी सिचुएशन है, मुझे पता है मैं ग्रीन पार्ट में हूँ, तो मुझे डरने की कोई चीज़ नहीं। अगर नहीं भी हो तो मुझे पता है कि क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। ये कब वो कॉन्फिडेंस आता है, आप बार बार एक चीज़ करोगे, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि 100 चीज़ें करने से अच्छा एक चीज़ 100 बार करो। जब आप वो चीज़ करोगे तो आप इतना एक्सपर्ट बनोगे उसमें, तो आप किसी भी सिचुएशन में रहोगे, आपको पता है आप मिनिमम लॉस या फिर प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें की है। मैंने मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रैटेजी में 5% लिया है, मैक्सिमम लॉस भी कह रहा हूँ मैं, पिछले 2.5 सालों में, 2.5-3 सालों में मैंने 106 आयरन फ्लाइज ट्रेड किए, मतलब वीकली की बात कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप। तो मैक्सिमम लॉस मैंने 5% लिया है पूरी एडजस्टमेंट करके। इतना कॉन्फिडेंस है इसमें अभी, तो लोग इससे वहाँ मुझे पता है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। तो मैं अभी आयरन फ्लाई के साथ मैं कैलेंडर्स भी ट्रेड करता हूँ, एक एक्स्ट्रा सपोर्टिव ट्रेड होता है आयरन फ्लाई के लिए, मतलब आयरन फ्लाई से छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट होते हैं, तो कैलेंडर्स से भी जैसे बहुत बड़े प्रॉफिट जनरेट होते हैं, बहुत बड़े इन द सेंस ये सपोर्टिव रहता है आयरन फ्लाई के लिए, तो मैं मैनेजेबल होता है। मैं जैसे मेरे पहले के प्रॉफिट थे वो फिर मैं जैसे हाई विक्स में जिसने प्रॉफिट मुझे होते थे आयरन फ्लाई में, तो वही मुझे अभी हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कैलेंडर्स एज ए सपोर्टिव ट्रेड ले रहा हूँ आयरन फ्लाई के साथ, ठीक है। सो 15 मिनट हम आगे चले जाएंगे। देखिए मार्केट शायद थोड़ा सा गैप डाउन खुला, लेकिन एज ए एक्सपायरी डे है ये, तो डेफिनेटली उसने लॉस दिया होगा। लगभग 14,000 के आसपास आप प्रॉफिट में हो। देखिए अभी मार्केट चल रहा है 44,250, ऊपर की साइड हमें 2,000 के आसपास लॉस होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ये एक्सपायरी का डे है, हमें ये देखना है। देखिए यहाँ पे आपको लॉस दिया 500 के आसपास, लेकिन हमें रुकना है, हमें पता है कि एडजस्टमेंट क्या करनी है इसमें, ठीक है। तो हम रुकेंगे इसमें। देखिए मार्केट ने शायद यहाँ पे आप देखो, देखिए 44,500 से शायद मार्केट रिवर्स आया उस दिन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक रिवर्स आया। देखिए अभी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 3,000 रुपीज़ के आसपास, जो कि 1.5% है, 2.5 लाख के आसपास इसे कैपिटल लग रहा है, तो 3,000 के आसपास आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप और रुकते हो मार्केट में, तो देखिए लगभग 7,000 के आसपास अब ये प्रॉफिट आया, तो वो हो गया लगभग 3% के आसपास, 3.5% के आसपास ये प्रॉफिट आपका चला गया। तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा रुकने का आपको मतलब बनता नहीं। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो, मार्केट 44,500 से 44,100 तक आया, 400 पॉइंट की मार्केट ने मूव दी है, लेकिन हम बहुत सेफली बैठे रहे, हमें पता था कि लॉस होगा नहीं। मार्केट रिवर्स अगर आ रहा है 44,500 से, तो बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है। अभी इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। देखो मार्केट 1 से 7 तारीख तक एक ही रेंज में रहा है, लगभग 1 से 8 तारीख तक ओपनिंग में, तो डेफिनेटली अगर ब्रेकआउट आता है तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल होता है, ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो वो बहुत बड़ा रिवर्सल देगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। लगभग 400 पॉइंट्स मार्केट डाउन चला आया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ तो बड़ा मूव आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो कि 6500 के आसपास हमने मतलब लगभग 3% के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया इस वीक में, वो भी हाई वोलाटाइल था लो वीक्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देखो। और भी एडजस्टमेंट्स हैं आयरन फ्लाई के बारे में, आपको मेरे चैनल पे आपको ये सारी सब आयरन फ्लाइज की वीडियो है, बहुत सारी बैक टेस्टिंग है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगे आयरन फ्लाई के रिलेटेड, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितना हो सके शेयर्स करो। तो होता क्या है कि बहुत लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती है और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात भी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, ट्रेड तो सभी को करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस की बात आनी चाहिए, वो जिगर होना चाहिए कि आपको एम स्विंग्स देखना या फिर प्रॉफिट्स देखना है। अब अगर आप पढ़ोगे ही नहीं इसमें, मतलब आप कूदोगे ही नहीं, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, हाँ इतना लॉस दिख रहा है, इतना प्रॉफिट दिख रहा है, ये करो या ना करो। अरे करो तो सही, प्रॉफिट लॉस की तो बात की बात है। अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो पूरी बात की बात है। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि एक चीज़ मतलब 100 चीज़ें करने से अच्छा एक ही चीज़ 100 बार करो, तो आप डेफिनेटली इसमें मास्टर बन जाओगे। लेकिन आपको टाइम लगेगा। आप इसे अगर आप कंसिस्टेंट हो, जैसे कि मैंने पिछले 1 से 6 आयरन फ्लाई अभी ट्रेड कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली करता रहूँगा आगे, सो उतना कॉन्फिडेंस आप में को डेफिनेटली आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी रहेगी। तो डेफिनेटली लाइक करो, ये वीडियो शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू गाइज।